वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। ये व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी क्लिप्स मैंने ऐड की है। पहले हम गुंजन दीदी की सगाई में गए, फिर हम गुंजन दीदी की शादी में गए और फिर हम नंदू के बर्थडे में गए। तो ये छोटा सा व्लॉग था तो मैंने इसे ऐड ऑन कर दिया। और आप पूछेंगे कि निधि दीदी ये गुंजन ये कौन है, ये निधि दीदी की फ्रेंड है, मतलब मेरी बड़ी बहन की बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, हम वहाँ पर गए थे। और पहले उनकी मेहंदी की हल्दी की फंक्शन में गए, उसके बाद हम उनकी शादी में गए थे और फिर उसके बाद हम नंदू के बर्थडे में गए थे। तो छोटा सा व्लॉग था तो मैंने इसे ऐड ऑन कर दिया। तो प्लीज़ देखिए, इंजॉय कीजिए आप भी, बहुत मज़ा आया। हम सब तो बहुत सारा मज़ा किया और नंदू भी गई थी, दीदी की बेटी छोटी नंदू नाम है उसका। बहुत बुरी लग रही है, स्माइल करियो बाबू। एक बार कहा यहाँ पे फोटो शूट चल रहा था हल्दी के बाद, दीदी की बेस्ट फ्रेंड्स, हम सब ने बहुत सारे फोटो क्लिक्स कराए और यहाँ पे बहुत मजा आ रहे थे, गाने भी चल रहे थे। प्रिंसी दीदी है, निधि दीदी की ही बेस्ट फ्रेंड, और ये मैं हूँ, और साइड में सृष्टि है, ये निधि दीदी है, और ये गोद में जो बच्चा है ये नंदू है, इसके ही बर्थडे में गए थे। ये प्रिंसी दीदी है और यहाँ पे हम सब बहुत सारे फोटो क्लिक कर रहे थे। ये गुंजन दीदी के रिलेटिव्स हैं, उनकी मासी की बेटी है। उसके बाद सृष्टि मेहंदी लगाने में बहुत परफेक्ट है तो चेचा ने मेहंदी लगाई। चेचा का नाम ही सृष्टि है तो सृष्टि ने ही मेहंदी लगाई गुंजन दीदी को, बहुत प्यारी। ये नंदू है, नंदू के साथ चेचा ने बहुत मजे करे। मिलो बाबू, स्माइल कर, स्माइल कर कालू। ये तेल वाली रस्म होती है तो इसमें बस मैरिड लड़कियां ही तेल लगाती है, मतलब ब्राइड को। तो इसमें हम तो अनमैरिड थे, निधि दीदी ने लगाया बस, और प्रिंसी दीदी ने, हमने नहीं लगाया। तो उसमें बोला था कि सिर्फ मैरिड लेडी ही मतलब तेल लगा सकती है, अनमैरिड नहीं लगा सकती। तो हमने नहीं लगाया, चेचा ने और मैंने, और निधि दीदी ने लगाया। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर, बहुत गर्मी थी लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे। निधि दीदी डांट रही है रंगों को। और हम आ गए शादी में, और मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बना के डाली है यहाँ पे। यहाँ निधि दीदी, मैं, सृष्टि, नंदू, हम चारों ही गए थे, मतलब कि हाँ हम चारों गए थे यहाँ पे, हमने डांस किया बहुत। लिखना पाटना जिक्र बहु की।
ये गुंजन दीदी है, ये उनके हबीब है मतलब जीजू हमारे। तो ये वाली वीडियो ही मैंने शूट कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और बहुत गर्मी थी, तो मुझे व्लॉगिंग करने में थोड़ा ऐसा लग रहा था कि बहुत गर्मी लग रही थी और मेरे बाल भी खुले हुए थे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट ये वाली वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड की थी, तो इसमें गुंजन दीदी और जीजू, मैंने अपने आप को भी नहीं लिया, बस ब्राइड और ग्रूम की मैंने वीडियो बनाई है। और यहाँ पे सृष्टि नंदू को लेकर हम निकल रहे थे, उस सृष्टि कुछ इस तरह लग रही थी रेड कलर के कपड़ों में, और मैंने ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था मतलब फोक स्कर्ट। और उसके बाद हमारा सेकंड डे स्टार्ट। लोग आज है नंदू का बर्थडे और आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार बनने वाला है। हम जाएंगे नंदू के बर्थडे में और मैं बहन से पूछने वाली हूँ कैसा लगेगा बर्थडे में। जाने बहन जी का बर्थडे है तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास हमारी न्यू व्लॉग की न्यू अपडेट की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और आज का व्लॉग बहुत तो शुद्ध लग रही है शॉर्ट वीडियो में। तो मेकअप होता है ना, ये रियलिटी है, आगे लोग में देखना क्या होता है। हम जा रहे हैं नंदू के बट्टे में। हेलो करो बाबू, क्या चल रहा है? नहीं देखो, पाउट बना दे, पाउडर अब ऐड कर दे, कर दे। गाइस जिसका बर्थडे है आज, आई एक साल के हो गए ये लॉकडाउन में, सब कितने हो गए हो।
बाबू देखिए बाबू तो देख अच्छा बू कर दे नोनू देख दो के क्यों है भाई हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं ये तो पहले से जबरदस्ती बना ली हमने नहीं हमें जबरदस्ती नहीं बनवाया हमने तो खुद फॉलो किया है ना हाँ। परू परू बोलो मेरी मासी के चैनल को सब्सक्राइब करो बोलो बेटा ये खाने में बिजी है ये तो भैया अपनी मर्जी से बोलती है तो देखो चंड चढ़ गई है देखती नहीं है जब दिखा दी देख बेटा देख मिलो बाबू स्माइल कर स्माइल कर हट कालू गाल तुम्हारे।